नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आगरा के थाना खेरागढ़ में अवैध खनन का कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं और पुलिस की मिली भगत से अवैध खनन का काम उनका जोरों शोरों से चलता चला जा रहा है। आपको बता दें, इस अवैध खनन के चलते पहले भी कई दुर्घटनाएं ओवरलोडिंग डंपरों से हो चुकी हैं, जिनमें अवैध खनन का माल खचाखच भरा रहता है। वहीं पुलिस की मिली भगत के चलते इन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ट्रैक्टर तो हमारे किसने पकड़े हैं? एसडीएम ने। एसडीएम ने तो मिट्टी पे तो रॉयल्टी भरी है, पर पकड़े कोई है? जब भी पकड़े हैं, चार दिन पहले भी पकड़े, 10,000 रुपए की थी। 10,000 रुपए दिए? नहीं दिए सर। एसडीएम ने कैसे लिए? डायरेक्ट एसडीएम साहब ने आपसे 10,000? नहीं नहीं, ड्राइवर है वो। पुलिस का क्या नाम है? ड्राइवर का? नहीं, ड्राइवर का नाम नहीं। अभी मैं आप कहाँ से हो? आज कहाँ के रहने वाले हो? नाम क्या है तुम्हारा? अच्छा, गाड़ी जेसीबी से हो रही है या फावड़े से? हमारे फावड़े से हो, जेसीबी से, दोनों से हो रही है। अभी आप लेके आए हो मिट्टी जो है फावड़े से भरी हुई है? फावड़े से। इतनी ऊंची डेली जो फावड़े से भर गई? भी ज्यादा ऊंची भर दी थी। अच्छा, अब ट्रैक्टर तुम्हारे किसने पकड़े हैं? एसडीएम साहब ने पकड़े या किसी सिपाही ने पकड़े? ड्राइवर ने पकड़े। आगरा से केके न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र पचौरी की रिपोर्ट। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए केके न्यूज़।